फाइनली गाइस आप सामने देख सकते हो किस प्रकार से पुलिस आ चुकी है और इन्होंने सबके डीजे हटवा दिए हैं। टोल टैक्स के आखिर सारे डीजे थे और रात आ गई है पुलिस और पुलिस ने कर दी सारी तोड़ फोड़। उधर से उधर सारे डीजों को यहाँ से हटवाया गया है और देख सकते हो कितनी ढेर सारी भीड़ है जो सुल्लू वाल्मीकि चैनल आज के लिए दिखा रहा है। देख सकते हो पुलिस की और डीजे वालों की थोड़ी बहुत नोक झोंक चल रही है क्योंकि पुलिस वालों ने डीजे वालों का नुकसान कर दिया है। किसी की गाड़ी फोड़ दी, किसी का कॉलम फोड़ दिया, किसी की बेस फोड़ दी, किसी के जनरेटर में लाठी मार दी। काफ़ी नुकसान हुआ है डीजे वालों का और सर्जन भाई का भी काफ़ी नुकसान कर दिया है इन लोगों ने। तो कावड़ भी कह रहे हैं कुछ लोग के कावड़ भी खंडित कर दिए पुलिस वालों ने। तो कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं पुलिस वालों से, प्रशासन से, देखते हैं भी क्या होता है। और यहाँ से सारे डीजे हटाए जा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं आपके लिए तो पूरा मॉर्निंग का भी पूरा व्यू दिखाऊंगा क्योंकि आपके लिए पूरा दर्शाया ऐसा लोअर व्यू करना है क्योंकि मुझे भी भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यहाँ से सारे डीजे हटाए जा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपके लिए कैसा महसूस हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेकार महसूस हो रहा है मुझे और काफ़ी बुरा फील हो रहा है भाई। फाइनली गाइस ये है मॉर्निंग का वीडियो है जो हम आपके लिए दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से सारे डीजों के लिए यहाँ से हटाया गया है और हटाया जा रहा है और काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है सारे डीजों के लिए। और जहाँ पे पहले डीजे था सार्जेंट डीजे वो वहाँ से भी हटा दिया गया है क्योंकि उसके लिए पूरा बाहर भेज दिया गया है और उनका भी काफ़ी नुकसान कर दिया है पुलिस वालों ने। और काफ़ी बेकार महसूस हो रहा है मेरे लिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या करना चाहिए था इनके लिए, क्या नहीं करना चाहिए था पुलिस प्रशासन के लिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा महसूस नहीं होता है जैसे कि कोई इतने दूर से आता है तो उसके लिए जल लेकर जाता है, मंदिर पे चढ़ाता है, फिर उन पर लाठी चार्ज की जाती है। बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है। आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। और काफ़ी बड़े बड़े डीजे हैं जो हटाए जा रहे हैं और अफरा तफरी मच गई थी रात में, आपने देखा होगा जो मैंने आपके लिए पूरा व्यू दिखाया था सल्लू आलमियुक चैनल ने। और कमेंट हम चलते हैं आगे की ओर। देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े डीजे हैं और अमर डीजे भी है, मोनू डीजे भी है और काफ़ी डीजे हैं। इधर सारे डीजे के लिए यहाँ से हटा दिया गया है। देख सकते हो ये टूल टैक्स है जो सल्लू वाल्मीकि चैनल आपके लिए दिखा रहा है। देख सकते हो। और आप क्या कहना चाहते हो इस लाठी चार्ज के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और सामने वो अमर डीजे है उसमें सारा माल भरा जा रहा है क्योंकि वो वहाँ से हटाया जाएगा। और इधर साइड से काफ़ी बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, जो ट्राला पे है ना वो सारे सेटअप इधर ही हैं, जो कैंटर पे हैं वो पीछे की ओर है, देख सकते हो। और भाई काफ़ी बुरा सा महसूस हो रहा है और आपके लिए कैसा महसूस हो रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जल्दी से देखें वीडियो को और फॉलो करें हमारे सल्लू वाल्मीकि चैनल के लिए। देख सकते हो ये गाड़ी है मोनो डीजे की जो सल्लू वाल्मीकि चैनल, ये भी मोनो डीजे की भी गाड़ी यहाँ से हटाई जा रही है। और ये भी इसमें माल पूरा भरा हुआ है, छोले कुलचे हैं क्या, ये खाने पीने का सामान है। देख सकते हो आप काफ़ी पूरा घुमा घुमा के मैं आपके लिए पूरा व्यू दिखा रहा हूँ सल्लू वाल्मीकि चैनल। हमारे वीडियो के लिए ज़रूर ज़्यादा चला इसी के लिए शेयर करें और हमारे सभी डीजे भाइयों वालों को ऊपर लाठी चार्ज किया गया और काफ़ी लोगों पर परेशानी का सामना करना पड़ा। मुझे भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और आपके लिए कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये सामने खड़ी हुई है ठाकुर डीजे की गाड़ी। यहाँ पे बड़े बड़े डीजे हैं, रावण डीजे है, अमर डीजे है, मोनो डीजे है, कसना डीजे है, सारे डीजे को यहाँ से हटा दिया गया है, देख सकते हो। और आप हमारे लिए बताइएगा आपके लिए हमारी न्यूज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमारे लिए अपनी राय दे सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी बुरा हुआ सारे डीजे भाइयों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसी का शीशा टूटा है, किसी की बेस टूटी है, किसी की एम्पलीफायर में लाठी मारी है, बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। बट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि पुलिस प्रशासन ने ऐसा करके अच्छा किया है या गलत किया है, कमेंट करो प्लीज़ भाइयों।